हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फ्रेंड एमएल परमार और स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल में एक्सेट ट्रिक बाय परमार सर पर। तो दोस्तों, आज अपना टॉपिक है हाउ मेनी ट्रायंगल्स, कितने त्रिभुज हैं। अब अगला त्रिभुज तो कितने ही आपको सबको गिना होगा, लेकिन कौन सी ट्रिक बेस्ट है, सबसे मुख्य बात है कि कौन सी ट्रिक बेस्ट है। तो दोस्तों, आज मैं आपको दो ट्रिक बताने जा रहा हूँ। अब आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगती है जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। देखो, एक ट्रायंगल तो आपको ये आकृति दे रखी है जिसमें आपको यहाँ से एक दो तीन, इधर भी तीन है, 1 2 3, इधर भी तीन है, ठीक है। सेकंड आकृति है दोस्तों, इसमें 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। और अगली आकृति आपके सामने है दोस्तों कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब तीनों की अलग अलग, इसमें 3 4 5 डिजिट अलग अलग है। अब दोस्तों, मैं आपको दो ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपको इस बहुत सारे आप सभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन करने का अलग अलग तरीका है और किस में कौन सी ट्रिक यूज़ होगी वो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और अच्छा लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सी ट्रिक आपको अच्छी लगे। अब दोस्तों, फर्स्ट ट्रिक से अपन सोल्व करेंगे, ये पहली अपनी ट्रिक होगी। तो ये फर्स्ट ट्रिक बहुत सारे बच्चे करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखो, यहाँ से गिन लेते हैं कि 1 2 3, इधर भी 1 1 2 3, यानी सभी तरफ तीन तीन है। तो कुछ नहीं करना, इसका एक फार्मूला दो होता है दोस्तों, n² × 2 - 5। n का मान दोस्तों ये 3 हो जाएगा, तो 3² × 2 - 5, 3 3 9, 9 × 2 - 5, 9 × 2 = 18 - 5, यानी कि 13 आंसर। ये तो आपकी पहली ट्रिक हो गई। इसमें भी फर्स्ट ट्रिक लगाएंगे दोस्तों, यही ट्रिक लगाएंगे। इसमें 1 2 3 4 है और इधर से काउंट करें तो 1 2 3 4, यानी चारों तरफ 4 है, 1 2 3 4, है ना, 3 4, चारों तरफ 4 4 है। इसमें भी ये वाली ट्रिक लगाएंगे दोस्तों कि n² × 2 - 5। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। तो 4² × 2 - 5, 4 × 16 × 2 - 5, और 16 दूनी कितना हुआ, 32 - 5, और 32 में 5 गया तो 27 इसका आंसर आ गया, है ना। इसी ट्रिक से अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, इसी ट्रिक से अपन चलेंगे, ट्रिक यही चलेगी अपनी, ये वाला। इसमें फर्स्ट ट्रिक लगाएंगे, देखो 1 2 3 4 5, क्या ये ट्रिक सब में काम करती वो देखना अपने, बस इसमें 5 है तो इसमें भी वही ट्रिक लगाएंगे, n² × 2 - 5, n का मान 5, तो 5² × 2 - 5, 5 5 25 × 2 - 5, और 25 2 50 माइनस 5 कितने हो दोस्तों, 45, है ना। अब 13 27 45, तीन आंसर अपने पास प्राप्त हो गए, तीनों का अलग अलग। अब दोस्तों, इसको करने की एक ट्रिक और बता रहा हूँ, फिर आप जज करेंगे कौन सी ट्रिक सही है। देखिए, ये तो फर्स्ट ट्रिक होगी, अब आपको सेकंड ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों। सेकंड ट्रिक क्या होगी दोस्तों, देखो सेकंड ट्रिक भी अपन इसी में करेंगे। देखो ये वाली सेकंड ट्रिक क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ दोस्तों 1 2 3 है दोस्तों, तो देखो 1 2 3 तक अपन नंबर लिख लिए, फिर यहाँ से 1 और इसमें 2 जोड़े तो कितना हो गया 3, फिर इसमें 3 जोड़े कितना हो गया 6, और यहाँ से एक अंक को छोड़ देंगे, अगला ले लेंगे, फिर ऊपर वाला को छोड़ देंगे, तो इधर से कितना आया 3, और इनको जोड़ लो, 3 1 4 6 10, और 10 3 13, तो ये 13 और ये 13 एक जैसे मिल गए, बिल्कुल सही है। इसी ट्रिक से अगले देखते हैं दोस्तों, इसमें 4 है, 1 2 3 4, इसको देखते हैं,
1 2 3 4 है ना, ये तो एक है ही सही, इसमें दो जोड़े तो तीन, तीन जोड़े तो ये, तीन जोड़े तो छः, इसमें ये चार जोड़े तो छः, चार कितना हो गए 10 हो गए। अब दोस्तों नीचे वाले का एक अंक छोड़ेंगे, अगला लेंगे तो 6 ले लिया, फिर अगला छोड़ा ऊपर का एक ले लिया तो 6 ने कितना हो गया 7, 3 1 4 3 1 4 6 10 10 20 तो 20 ने 7 27, तो ये 27 ये 27 मैच खा गए, ये 13 और ये 13, ये 27 27, ये दोनों मैच खा गए। अब लास्ट वाली क्वेश्चन को अपन देखने जा रहे हैं दोस्तों कि क्या इसमें 45 आते हैं, बस यही ट्रिक मैं बता रहा था आपको। इसमें कितना दोस्तों, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 ठीक है, तो ये तो एक ले लिया अपनों, इसमें दो जोड़ा तो कितना हो गया 3, 3 जोड़ा तो 6, 4 जोड़ा तो 10, 10 में 5 जोड़ा तो 15 ठीक है। अब नीचे वाला एक अंक छोड़ दे, एक ले ले 10, फिर इसको छोड़ा ऊपर ले ले 3 और ऊपर को छोड़ दिया, 10 में 3 कितना हो गया 13, और 3 1 4 6 10 20 और 10 30 35, अब 35 और 13 तो 5 ने 3 8 और 3 1 4 48। अब दोस्तों यहाँ देखना है कि यहाँ 45 है और यहाँ 48 है, ये दोनों बराबर नहीं हुए, ये दोनों आपके बराबर नहीं हुए। यहाँ तक तो हो गए थे कि इसमें भी 13 इसमें भी 13 इसमें 27 इसमें 27, लेकिन इसमें 45 इसमें 48, तो इसमें दोस्तों अब देखना है कि ये आंसर अपना सही है, ये आंसर ये ट्रिक अपनी सही है, 48 इसमें आंसर बिल्कुल राइट है, ये आंसर इसका गलत है। तो दोस्तों ये जो ट्रिक है ये 3 और 4 में ही काम आएगी, 3 और 4 में काम आएगी। अब इसके आगे अगर 5 या 6 7 8 कुछ भी हो तो उसमें ये वाली नीचे वाली ट्रिक आपको उपयोग करनी है, ये ट्रिक यूज़ नहीं करें अधिक के लिए, ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।